Okay, but for all those students okay who have not joined our regular batch, just this solving part I'm trying to be doing, and I'm going to be doing without any formula, plain logic, how the thing should be done. Okay, that is what we are going to be doing. Now, module modules, ke under, sorry, to my RTP two new questions have been added, question number four and question number five, which are on this part. Now, your notes and everything. Will be coming, but the, these notes that I'm using right now will be there on a Telegram channel. The link will be there in the description below. So you all can download these notes. These are not the notes of the institute, these are the notes that I have made. So, therefore, the things go in a very smooth manner. And this is a most likely question that will be coming in exams. Most likely question, okay.

सो स्टार्ट अवे ल्युलर मैन्युफैक्चरिंग अभी सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग उससे पहले होता क्या है ओके इन सिंपल वर्ड्स आई वुड बी से मशीन्स हैं एम वन एम टू एम थ्री एम फोर सपोज चार मशीन्स हैं ठीक हम लोग यहां पे सपोज यहां पे पांच टाइप्स ऑफ चीजें बनाते हैं लेट मी कॉल द मैस पार्ट्स लेट मी कॉल द मैस पार्ट्स ठीक है तो अपने पास चार मशीन है और अपने पास पांच पार्ट है कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जिनको सर्टन नंबर ऑफ मशीन्स की जरूरत पड़ेगी कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जिनको शायद सारी मशीन्स की जरूरत वगैरह वो ना पड़े ठीक जरा सोचो हमारी कंपनी के अंदर करंटली M1, M2, M3, M4 मशीन जो है वो बस ऐसे ही अरेंज्ड है तो जो भी पार्ट को जो भी मशीन की जरूरत पड़ती है हम लोग डाल देते हैं देन वी ट्रांसफर इट एग्जाम्पल एक, के तौर पे पी पार्ट हम अपने को बनाने का है ठीक है वी वॉन्ट टू बी मेकिंग पार्ट पी टू बनाने के लिए एम मशीन चाहिए एम चाहिए ठीक है तो हम लोग क्या कर लेते हैं पी पार्ट के लिए जो मटेरियल है एम के अंदर डाल देते हैं एक बार एम मशीन उसका प्रोसेसिंग कर लेता है यहां से गुड्स बाहर आ जाता है ठीक है अभी इसके बाद ये वाला जो चीज है उसको कहते शिफ्ट करने का है M3 तो यहां पर एक मैन्युअल इंटरवेंशन होएगा ओके यहां पे हमारे वर्कर वगैरह वो होंगे दोज गाइज विल मैन्युअली ट्रांसफर द गुड्स ओवर हियर ठीक है और उसके बाद M3 के अंदर प्रोसेसिंग हो जाएगा प्रोडक्ट विल बिकम अ फिनिश प्रोडक्ट ठीक यहां पे अगेन माय वर्कर्स विल बी देर हु नाउ ऐसे ऐसी चीजें अगर आप वो करोगे इसके ना काफी ज़्यादा वेस्ट होता है क्योंकि प्रोडक्ट को कंप्लीट होने के लिए एम और एम दोनों की जरूरत है तो एक तो डब्ल्यू स्टॉक बहुत ज्यादा होगा उसके बाद यहां पे टाइम लगेगा टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और भी दिक्कतें जरा वो सोचो अगर वर्कर लोग हर वर्कर लोग मूवी होते रहेंगे टू कैरी द गुड्स फ्रॉम वन इन फैक्ट्री तो देर वॉज अ फ्रेडरिक टेलर टेलर था फ्रेम टाइम एंड मोशन स्टडी वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी ये जो टाइम और मोशन स्टडी है पोर्शन के अंदर के भी था वैसे इन अ लूज वे तो वैसे इसने डीपीआर सिस्टम डिफरेंशियल सिस्टम भी बनाया था इन एनी केस आई एम नॉट गोइंग टू दैट नाउ तो फ्रेडरिक टेलर जो था उसने टाइम एंड मोशन स्टडी वो बनाया था वो बोलता है कि अगर आप लोग वर्कर लोगों को एग्जैक्टली exactly वही वाला चीज दोगे जो उन लोगों को चाहिए ठीक और वहीं पे दोगे जहां पे उन लोगों को चाहिए देयर एफिशिएंसी विल ऑलवेज बी फास्टर ओके टू गिव यू स्मॉल एग्जांपल अभी सपोज जो कोई एक बंदा है जो ईंटों का दीवार बना रहा है ठीक है अभी जब दीवार थोड़ी सी ऊंची हो जाती है इन दैट पर्टिकुलर केस अभी उसको हर रो के बाद सीमेंट लगाना पड़ता है आई गेस यू ऑल विल बी नोइंग दैट अभी दीवार बढ़ती जा रही है ठीक है एक वक्त पर दीवार विल रीच क्वाइट हाई ठीक है, है? दीवार बनते बनते बंदे की हाइट के ऊपर से वो चली जाएगी अभी हर रो के बाद अगर सपोज जो सीमेंट की प्रेत होती है ओके जो सीमेंट का एक बाउल वगैरह ये लोग वो यूज करते हैं वो जमीन पर पड़ा होता है ठीक है तो बार बार उस वर्कर को बेंड होना पड़ेगा सीमेंट वो लेना पड़ेगा लगाना पड़ेगा ये सब चीजों के लिए टाइम जाएगा इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि वर्कर लोग क्या करते हैं एक और वर्कर बाजू में वो खड़ा रहता है जो वो ट्रे लेके वो सीमेंट का वो ऐसे खड़े रहते ताकि जो वर्कर सीमेंट ऊपर लगा रहा है वो डायरेक्टली ले ले और लगा दे ऑटोमेटिकली उससे जो बंदा दीवार बना रहा है उसका मोशंस जो है कम हो जाता है वर्क ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू बिकम फास्टर सो दैट इज वॉट एवर इज टाइम एंड मोशन स्टडी अभी यही वाला फंडा हम लोगों ने यूज करके क्या करना स्टार्ट किया कि ना हम लोग मशीन्स को ग्रुप कर लेंगे मशीन्स विच आर रिक्वायर्ड टूगेदर विल बी ग्रुप्ड एंड विल बी फॉर्म्ड एज अ सेल उस सेल को हम लोग क्लस्टर भी बोल सकते हैं ठीक है तो एग्जाम्पल अगर M1 और M3 मशीन हमेशा इकट्ठा ही यूज होने वाला है फिर आप उनको दूर दूर क्यों रख रहे हो ब्रिंग M1 वन एंड एम थ्री क्लोज टू इच अदर और ये दोनों का एक सेल बना दो क्लस्टर बना दो ठीक अभी एम और एम के अंदर जो मूवमेंट है तुम्हारी मर्जी है इट कुड बी स्टिल मैन्यूअल जिसके लिए अभी भी शायद टाइम लगेगा लेकिन पहले से थोड़ा सा कम टाइम लगेगा बिकॉज ना एम वन एन एम और इन दिस पर्टिकुलर केस देर कुड बी कन्वेयर बी देयर ओके द गुड्स फ्रॉम एग्जाम्पल अभी अगर एयरपोर्ट पे जाओगे तो मेरे यू हैव टू गो फार बीच में आर फ्लैट एक्सकवेटर्स विच आर देयर ओके okay. जरा सोचो उन्हीं के ऊपर गुड्स वगैरह वो कैरी अभी अदर की एयरपोर्ट पर जब चेकिंग होती है ओके okay, जब फिजिकल सिक्योरिटी चेकिंग तो वो होती है वहां पे देर आर ऑल दीज रोलर्स ओके विच कैरी योर गुड्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द एयरपोर्ट ओके या फिर जब आप लोगों को सामान लेना होता है वापस फ्रॉम द एयरपोर्ट देर आर बेल्ट दो जहां पे सामान जो है वो घूमता रहता है दोज आर कन्वेयर दोल्ट देर कुड बी कन्वेयर बेल्ट फ्रॉम एम वन टू एम थ्री विच विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम एम वन टू एम थ्री लेकिन बस अगर ऐसा हो ध्यान रखना एम वन और एम थ्री का ना स्पीड मैच हो, आ, होना चाहिए क्योंकि क्या है अगर यहां से गुड्स ज्यादा बाहर आए अगर यहां पर सपोज कम जा सकते हैं तो ऑटोमेटिकली एक मिसमैच की वजह से सिस्टम इज नॉट बी वर्किंग इन अ प्रॉपर वे ठीक है Now, अभी अपने को क्या करने का है अपने को सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग को इंप्लीमेंट करना है ओके okay, इंप्लीमेंट मतलब विच मशीन शुड बी क्लब टूगेदर एंड दे शुड मैन्युफैक्चर विच पर्टिकुलर पार्ट्स ताकि यहां पर टाइम सबसे कम लगे और मोशन सबसे कम हो मोशन मतलब द मूवमेंट ऑफ द पीपल विद इन द फैक्ट्री सबसे कम हो ठीक है तो बेस्ड अपॉन वीचुएशन ऐसा एक example वो कर 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 सकता और और को को दो, दो, ठीक है और के अंदर पी थ्री बनता है ठीक है थीके? और उसके बाद यहां पर तो ऑटोमेटिकली वट यूल टू हियर एक जो सेल है वहां पर एम वन और एम थ्री है और एक जो सेल है वहां पर एम टू और एम फोर है सपोज पी फाइव भी ना सिर्फ एम फोर के अंदर ही बनता है तो वो भी आप इधर ही बना लो ठीक है उसकी वजह से क्या हो जाएगा एक वर्कर या मोर नंबर ऑफ वर्कर्स इफ इट इज रिक्वायर्ड विल बी एक्सक्लूसिवली वर्किंग फॉर दिस फ्यू वर्कर्स विल बी वर्किंग फॉर दिस ठीक है इट कुड बी वन सिंगल वर्कर ऑल्सो इन दैट केस यहां पर जो वर्कर है ही विल मैनेज दिस एंड दिस यहां वाले जो वर्कर्स हैं दे विल मैनेज दिस एंड दिस ये इंडिपेंडेंटली चलेगा ये इंडिपेंडेंट चलेगा देर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट और पार्टस फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर तो ऑटोमेटिकली दिस थिंग विल भी फार फास्ट ये दोनों चीजें इकट्ठी बन सकती हैं ठीक ऐसा करना विल हेल्प यू टू हैव अ प्रॉपर ले आउट फॉर योर एंटायर फैक्ट्री ये वाला चीज इन रियल लाइफ बहुत जरूरी हो जाता है बहुत जरूरी बिकॉज देन वी स्टार्ट टू बी थिंकिंग लाइक यू नो कि अपने को इतने ही वर्कर्स चाहिए ये वाले वर्कर्स एक एक सेल को मैनेज कर लेंगे और जरा सोचो यहां पर सपोज दो मशीन हैं एम टू और एम फोर सपोज यहां पे एम टू मशीन है एम फोर मशीन है सपोज इस सेल के अंदर बाद में हम लोगों ने एक और मशीन भी ऐड किया एम सेवन तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर ऐसा वो लिखा हुआ है अगर सपोज लाइक यू नो देर आर मोर नंबर ऑफ मशीन्स नो देन यू अरेंज देम इन अ यू मैनर ओके यू मैनर मतलब यहां पे सपोज एम टू यहां पे एम फोर यहां पे एम सेवन और यहां पे तुम्हारा वो वर्कर या सुपरवाइजर है दैट गाय विल बी एबल टू सी ऑल द थ्री मशीन्स एट द सेम पर्टिकुलर टाइम ऑनस्टली यू शेप इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शेप देर आर अदर शेप्स ऑल्सो विच आर देर देर कुड बी अस शेप ऑल्सो ओके लेकिन तुम्हारा मॉड्यूल वो सब कुछ वो बात नहीं करता सो लेट मी नॉट ट्राई टू बी गोइंग इंग टू दैट ठीक अभी वॉट वी ऑल आर सींग राइट नाउ इज सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हाउ टू थिंक विच पार्ट्स शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन विच मशीन विच मशीन शुड बी ग्रुप टूगेदर एंड वी आर सॉल्विंग अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन दैट ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन तुम्हारा क्वेश्चन फोर है लेकिन आर टीपी के क्वेश्चन फोर के अंदर शुरू में एक पार्ट वन और पार्ट टू भी था वॉज अ थियोरी दट आईव ऑलमोस्ट डिस्क्राइब्ड इट टू यू ओके और उसके बाद फिर ये वाला पार्ट था तो मैं सिर्फ यही वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं ऑल आर रेगुलर स्टूडेंट है हाफ आवर्स डिस्कशन ईच एंड एवरी थिंग ओके दो गोटेड इन Their lifetime updates okay on our next app. So, for all other students, I'm solving this entire thing because this is a new thing whereby you all might face some particular problem. Okay? So, question number 10 While analyzing the production flow, it is observed that five different parts or components P101, 104, 105, 107, and 108. र कंप्लीटली सॉरी आर कॉम्प्लेक्सली इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एट फाइव डिफरेंट मशीन एम टू एम सेवन एम थर्टीन एम थर्टीन ए एन एम फिफ्टीन तो यहां पर इन दिस पर्टिकुलर केस देर आर फाइव मशीन जो फाइव पार्ट बनाते हैं पार्ट मशीन इंसिडेंट मैट्रिक्स फॉर प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस फॉर द सेट प्रोडक्ट इज गिवेन बिलो अभी यह मैट्रिक्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म है आपको एग्जाम ऐसा ही आने वाला है अगेन आई एम सी दिस मोस्ट लाइकली क्वेश्चन फॉर मे टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन P101 वाला जो पार्ट है ना उसको M2 चाहिए और M13 चाहिए ये 1 नंबर इज अ स्टैंडर्ड डोनेशन ठीक है इज अ स्टैंडर्ड डिनोशन ओके तो 1 का कोई मतलब नहीं है एक्सेप्ट कि P101 को M2 भी चाहिए M13 भी चाहिए वो यहां पर लिखा हुआ है इंटरप्रिटेशन P101 रिक्वायर्स प्रोसेसिंग एट M2 एंड एट M13 ठीक है उसके बाद P104 को M7 चाहिए M13 नहीं चाहिए यहां पे वो लिखा हुआ है वेयर एज 104 रिक्वायर्स M7 एंड M13 नहीं P105 को सिर्फ एम थर्टीन चाहिए P107 को एम थर्टीन और एम फिफ्टीन चाहिए P108 को यहाँ पर सिर्फ एम सेवन मशीन ही चाहिए Required फाइंड लॉजिकल पार्ट फैमिलीज एंड मशीन groups बेस्ड अपॉन पार्ट incident matrix मैट्रिक्स टू शो केस मशीन पार्ट ग्रुपिंग यूजिंग रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग हम लोग यही वाला काम करने वाले कॉल्ड एज किंग्स एल्गोरिदम ये वाला जो एल्गोरिदम है जिस बंदे ने बनाया ओके उसने ना एक यहां पे प्रोसीजर फॉलो किया था टू बी डूइंग द थिंग्स हम लोग बस वो वाला प्रोसीजर सीख रहे हैं नथिंग नज ठीक है बट आई एम नॉट डूइंग एनी फॉर्मुलाज नो नथिंग प्लेन कॉमन सेंस बी डूइंग सबसे पहले ये वाला जो मैट्रिक्स है ना हम लोग उसको कॉपी करने वाले हैं ठीक है वी आर थिंग सो एल्टी का फ्रेश न्यू पेज पी वन जीरो वन पी वन जीरो फोर पी वन जीरो फाइव उसके बाद पी वन जीरो सेवन P108 फिर उसके बाद यहां पे M2 उसके बाद M7 उसके बाद M13 उसके बाद M13A और उसके बाद यहां पर M15 फिफ्टीन वन वन जिस कॉपी कर रहा हूं और कुछ नहीं वन एंड वन उसके बाद वन ओवर हियर आई गेस वन ओवर हियर वन ओवर हियर ऑल्सो कॉपिंग करने के अंदर बेटा गलती मत करना वरना आई कांट हेल्प यू एक मिनट वन उसके बाद वन इन वन ओके उसके बाद वन इन वन ठीक है वन वन ठीक है चलो सुन अभी दिस इज द मैट्रिक्स दैट इज दर ठीक है बराबर से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं देखो सबसे पहले आपको क्या करना है यू कैन आप लोग भी कॉलम वाइज स्टार्ट कर सकते हो अभी ये चीज़ ने ऐसे किया so हर एक रो को हम लोग आई रो बोलेंगे रो नंबर आई वेयर बाय इन दिस क्वेश्चन आई विल गो फ्रॉम वन टू फाइव बिकॉज देर आर फाइव रोज एज सच ठीक है so नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी डिनोटेड बाई जे ठीक है सो दे फोर दिस इज काइंड ऑफ फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम फिफ्थ कॉलम तो यहां पे जे का वैल्यू भी वन से लेके फाइव तक जाता रहेगा ठीक सबसे पहले आपको क्या करना है ठीक है सुन इसके अलावा मैं जो भी करूंगा ना आई एम गोइंग टू बी डूइंग इन ब्लू कलर ठीक है अभी आप लोग रो वाइज भी जा सकते हो कॉलम वाइज भी जा सकते हो आईसीएआई जो है पहले कॉलम से स्टार्ट कर लेता है मैं पहले कॉलम से स्टार्ट कर लेता हूं मानना तुम्हारे आंसर्स जो हैं इन एनी केस वो सेम ही रहने वाले हैं अभी ये बंदे ने सबसे पहले क्या बोला आप लोग कॉलम वाइज ना वेट्स असाइन करो क्या असाइन करो वेट्स लेकिन उसने क्या बोला हम लोग ना बाइनरी वेट्स यूज करेंगे ओके बाइनरी वेट्स बाई ऑलवेज मीन्स टू तो यहां पर एक्सट्रीम लास्ट वाले के अंदर वेट असाइन करने का है टू रेस टू जीरो तुम लोग मत लिखना टू रेस टू वन टू रेस टू 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 रेस टू थ्री टू रेस टू फोर ओके सो दे फोर लास्ट वाले से स्टार्ट करना और वेट ऐसे असाइन करना ठीक है अभी टू रेस टू जीरो कितना होता है बेटा वन टू रेस टू वन इज टू टू रेस टू टू इज फोर टू रेस टू थ्री इज एट एंड टू रेस टू फोर इज सिक्सटीन ये हर क्वेश्चन के अंदर वैसे ही होने वाला है यहाँ पे पांच कॉलम थे इसलिए सिक्सटीन तक गया अगर छह कॉलम होते जो शायद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के के अंदर हो ही जाएंगे तभी 16 के बाद थर्टी टू मतलब, भी आ जाएगा ठीक है आगे बराबर से सुनना जो मैं तुम लोग को बोलता हूं ठीक है अभी इसके बाद ना मेरे को दीज आर बाइनरी वेट आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो बी डब्ल्यू जे क्योंकि मैं हर कॉलम का यहां पे बाइनरी वेट असाइन किया इसके लिए तुमको कोई अकल नहीं चाहिए जस्ट द ऑलवेज बी वन टू फोर एट साइड मतलब द लास्ट वन ठीक है अभी इसके बाद आपको ना हर एक रो का डेसिमल इक्वालेंट चाहिए आपको क्या चाहिए decimal equivalent, DE. मेरे को हर रो के लिए वो वाला चीज चाहिए हर रो के लिए मेरे को वो वाला चीज चाहिए ठीक है और वो अभी कैसे मिलेगा बराबर से जरा देखना मैंने नोट्स के ना तो सारे के सारे सारे के सारे जो कलर्स यूज करके तो वो समझाया ही हुआ है लेकिन तुम लोग जरा ध्यान से वो सुन लो अभी मेरे को ना यहां पर ये वाला चीज चाहिए आई वॉन्ट डेसिमल इक्वालेंट ऑफ एम टू अभी डेसिमल इक्वालेंट ऑफ एम टू कैसे मिलेगा देख लेने का कि एलोकेशन किधर है सर एलोकेशन फर्स्ट रो के अंदर एक ही जगह पे है वन वन का जो वेट है ना सिक्सटीन है तो अगर आप लोग चाहो ऑल दो वो लिखना मत यहां पे आप लोग सिक्सटीन लिख सकते हो और बाकी जगह पे कुछ नहीं है बोले तो जीरो है तो ये सारे वेट्स का जो टोटल है ना आप लोगों को डेसिमल इक्वालेंट के तौर पे लिखना है तो यहां पर ऑब्वियसली क्या आ जाएगा सिक्सटीन आ जाएगा ठीक उसके बाद अभी सेकेंड रो पे आओ सेकेंड रो पे इधर एलोकेशन है इधर एलोकेशन है तो ये वाला वेट इधर आ जाएगा ये वाला वेट इधर आ जाएगा तो एट उधर आ जाएगा वन इधर आ जाएगा दोनों का टोटल मेरे को चाहिए तो एट प्लस वन इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी नथिंग बट नाइन सेम वे अभी मेरे को नेक्स्ट वाला जरा बोलो एम थर्टीन का क्या हो जाएगा इट विल बी सिक्सटीन प्लस टू एटीन आ जाएगा सिक्सटीन प्लस टू एटीन ठीक है आगे एलोकेशन इधर है और एलोकेशन इधर है तो पहले का वेट है एट दूसरे का है फोर तो यहां पे जो टोटल है कितना आ जाएगा बेटा ट्वेल्व उसके बाद यहां पे आ जाएगा टू ठीक है चलो ये वाला जो अपना काम है ये हो गया अभी आपको क्या करना है इसके हिसाब से ना डेसिमल इक्वालेंट के हिसाब से आप लोग को हमेशा यहां पर रैंक देने हैं हाइएस्ट वन बींग वन सो सबसे ज्यादा नंबर सबसे बड़ा नंबर यहां पे कौन सा है 18 रैंक वन दे दो 16 रैंक टू दे दो फिर उसके बाद 12 रैंक थ्री दे दो ये फोर दे दो और ये जो है फाइव दे दो ठीक है सो जस्ट अरेंज देम इन रैंक ऑर्डर ठीक है चलो एक बार ये वाला काम हो जाएगा नाउ विल गो ओवर टू आर नेक्स्ट मैट्रिक्स अभी आपको न्यू मैट्रिक्स बनाना है तो नया मैट्रिक्स क्यों बनाना है थोड़ी देर के बाद लेकिन नया मैट्रिक्स बनाना तो है उस न्यू मैट्रिक्स के अंदर क्या नया बनाना है आप लोग रो वाइज शफलिंग करना रो वाइज शफलिंग करना बेस्ड अपॉन द रैंक गिवन मतलब अभी जब नया मैट्रिक्स बनाते हो ना पहले एम थर्टीन लिखने का फिर एम टू लिखने का क्योंकि एम थर्टीन का रैंक वन था सो ऑन एंड सो फोर ठीक है तो यहां पर अभी मैं फिर से ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं कॉलम वाइज कुछ फर्क नहीं हुएगा अभी हम लोग रोस को रीशफल किया क्योंकि हम लोग रैंक को रैंक्स जो दिए वो हम लोगों ने रो वाइज दिए थे सो पी वन जीरो फाइव वन जीरो सेवन पी वन जीरो एट अच्छा सबसे पहले एम थर्टीन मशीन वो दे देंगे क्योंकि उसका रैंक वन था बेटा तो यहां पे आ जाएगा वन यहां पर आ जाएगा वन बी केयरफुल यहां पे प्लीज कॉपिंग एरर्स नहीं करना ठीक है फिर उसके बाद यहां पे आ जाएगा एम टू एम टू जो है यहां पे वन आ जाएगा ठीक है फिर उसके बाद एम थर्टीन ए आ जाएगा एम थर्टीन ए बेटा एम थर्टीन ए ये है तो दिस इज वन एंड वन ठीक है फिर उसके बाद M7 आ जाएगा 104 है उधर और 108 है उधर ठीक है हाँ, और उसके बाद M15 आ जाएगा M15 जो है सिर्फ 107 पर है ठीक है चलो ये बन गई आपकी न्यू मैट्रिक्स सर इसके बाद क्या करें डिटो सेम काम लेकिन पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था कॉलम से अभी स्टार्ट करेंगे रो से और क्या तो अभी आप लोगों को ना हर एक रो को बाइनरी वेट असाइन करना है ठीक है बाइनरी वेट यहां पे लिख देता हूं आई बिकॉज एवरी रो इज टेकन एज आई और कुछ नहीं है ठीक है क्या करने का स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट वन ओनी बेटा तो बाइनरी वेट हमेशा वैसे देंगे वन टू फोर एट सिक्सटीन सो ऑन तो लास्ट वाले के अंदर वन उसके बाद टू एक मिनट ये मैं ब्लू के अंदर लिखता हूं दैल बी बेटर सो दे दिस इज वन दिस इज टू दिस इज फोर दिस इज एट दिस इज सिक्सटीन ठीक है तो अभी आपको क्या करना है अभी आपको डेसिमल इक्वाल निकालना है ठीक है अभी आपको डेसिमल इक्वाल निकालना है लेकिन डेसिमल इक्वाल निकालना है हर एक कॉलम का ठीक है अभी जस्ट बिफोर आई कंटिन्यू नो मैं बस तुमको बता रहा हूं हाउ टू रीड योर नोट्स ठीक है मैंने नोट्स के अंदर हर एक चीज ना यहां पर सॉलिड एक्सप्लेन करके रखा हुआ है बराबर से जरा देखना वट एम अबाउट टू टेल यू ऑल देखो मैट्रिक्स नंबर वन वी गिव बाइनरी वेट इक्वाल टूच कॉलम वन टू फोर एट सिक्सटीन तो मैंने वही वाला काम किया ठीक है वी फाइंड डेसिमल इक्वालेंट फॉर ईच रो डेसिमल इक्वालेंट कैसे निकालने का देखो यहां पर एलोकेशन था तो यहां पे 16 नंबर कॉपी कर दिया ये तुम्हारी रेफरेंस के लिए ही क्या है एग्जाम्स के ना मत करना फिर उसके बाद यहां पर भी 16 कॉपी कर दिया यहां पर 8 कॉपी किया यहां पर 8 कॉपी किया यहां पर 4 कॉपी किया यहां पर 2 कॉपी किया यहां पे 1 कॉपी किया अभी उसके बाद हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल वेट्स के टोटल मार लिए ठीक है हॉरिजॉन्टल वेट्स के टोटल मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस एक सेकेंड ये रब कर देता हूं यहाँ पे सिर्फ 16 था और कुछ नहीं है तो 16 16 पे 8 था, 1 था, 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 1 9 जो अपना भी आया मेरे ख्याल से 16 था, 2 ठीक था, so so है हम लोगों ने वो सब कुछ जो है यहाँ पर वो वाला वाला काम कर दिया ठीक है Now, once you do that, तो तुम्हारा ये वाला जो चीज है ये बन जाएगा देखो मैंने पॉइंट नंबर थ्री क्या लिखा है रीअरेंज द रोज फॉर द नेक्स्ट मैट्रिक्स बेस्ड अपॉन रैंक्स तो फिर हम लोगों ने रीअरेंज कर दिया तो मैट्रिक्स नंबर टू आ गई अपने पास ठीक है ये मैट्रिक्स नंबर टू वही है जो मैंने अभी अभी बनाई थी एक्जैक्टली exactly वही वाली चीज है यहां पर वो वाला चीज वो देख सकते हो ठीक है बस अभी केयरफुल रहना कि ना अभी तुम लोग को कॉलम वाइज डेसीमल इक्वाल चाहिए ठीक है कॉलम वाइज मतलब ये वाला 16 इधर ये वाला 8 इधर तो 16 है 8 है जो तुम लोग नहीं लिख रहे हो लेकिन दोनों का टोटल भी ऑल आर इंटरेस्ट है ठीक है दोनों का टोटल 24 तो दिस इज 4 एंड दिस इज 2 सो so, देयरफॉर दोनों का टोटल विल बी 6 उसके बाद 4 उसके बाद 16 एंड 1 तो यहां पर आ जाएगा 17 और यहां पर आ जाएगा टू ठीक है हमेशा डेसिमल इक्वालेंट के बाद तुम लोग को रैंक्स देने का है हमेशा हाइएस्ट वन उसको वन दे देना जो हाइएस्ट नंबर है उसको वन दे देना तो यहां पर वन आ जाएगा टू आ जाएगा थ्री आ जाएगा फोर आ जाएगा फाइव आ जाएगा ठीक है अब आपको क्या करना है फिर से रीअरेंज करो लेकिन अभी रीअरेंज करना कॉलम्स को क्योंकि हम लोगों ने रैंक जो दिए हैं वो कॉलम वाइज दिए हैं तो अभी रो वाइज तुम्हारा डेटा वही रहेगा बेटा तो रो वाइज बोले तो एम थर्टीन एम टू एम थर्टीन ए एम सेवन उसके बाद एम फिफ्टीन ठीक है लेकिन कॉलम वाइज पहले P101 आ जाएगा उसके बाद P107 आ जाएगा उसके बाद P104 आ जाएगा P105 आ जाएगा P108 आ जाएगा। कॉपी बराबर से करना सिली सिली एरर्स मत करना P101 ये वाला चीज जो है आप लोग नीचे कॉपी करोगे वन एंड वन उसके बाद 107 का वन एंड वन कॉपी करो एट द रिस्पेक्टिव प्लेसेस फिर उसके बाद थर्टीन ए एंड सेवन सो दे फोर यहां पर पी वन जीरो फोर था ना वन एंड वन फिर उसके बाद वन जीरो फाइव दिस इज वन पी वन जीरो एट यहां पर आ जाएगा ठीक है बस अपना काम खत्म हो गया ये मेरे को ब्लैक के अंदर लिखना चाहिए था ठीक है चलो वो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता उसे ठीक है सुनो मेरी बात अभी बस बिल्कुल वही वाला काम करो जो तुम लोगों ने इस मैट्रिक्स के अंदर किया था पहले एक बार स्टार्ट किया था कॉलम से अभी स्टार्ट किया रो से अभी फिर से कॉलम से स्टार्ट करो तो यहां पर आप लोग बाइनरी वेट दे दो अभी ब्लू से लिखता हूं सो दे फोर यहां पर बाइनरी वेट जे तो स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट वन बेटा वन टू फोर एट सिक्सटीन ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप लोग डेसिमल इक्वालेंट दे दो डेसिमल इक्वालेंट हर एक रो के लिए ये हम लोगों ने शुरू में भी किया था आई गेस यू ऑल आर नाउ कंफर्टेबल विद दिस ओके सो दे फोर वन एंड वन बोले तो सिक्सटीन और एट का टोटल ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वेंटी फोर फिर उसके बाद यहाँ पर सिर्फ एक ही है तो यहाँ पर आ जाएगा सिक्सटीन यहाँ पर आ जाएगा सिक्स यहाँ पर आ जाएगा फाइव यहां पर आ जाएगा एट तो यहां पर अब मैं रैंक दे रहा हूं तो रैंक यहां पे क्या आ जाएगा वन यहां पे आ जाएगा टू यहां पे आ जाएगा थ्री यहां पे आ जाएगा फोर यहां पे आ जाएगा फाइव ठीक बस द मोमेंट यू ऑल डू दिस पर्टिकुलर थिंग दिस जॉब इज ओवर ठीक है अभी इसके बाद क्या करेंगे एग्जैक्टली द सेम थिंग रो वाइज रैंक्स के हिसाब से अरेंज करो और उसके बाद स्टार्ट हो जाओ वट एवर वी हैव टू बी डूइंग अभी हम लोगों ने यहां पर कॉलम तो से स्टार्ट किया ना तो नेक्स्ट टाइम हम लोग रो से स्टार्ट कर लेंगे अच्छा पहले रीअरेंजमेंट का जो काम है वो खत्म कर देते हैं पी वन जीरो वन पी वन जीरो सेवन पी वन जीरो फोर पी वन जीरो फाइव पी वन जीरो एट ठीक है उसके बाद रो वाइज बेटा तो सबसे पहले एम थर्टीन ही था उसके बाद M2 ही था तो वो बराबर ऑर्डर ही है उसके बाद यहां पर M15 था बेटा पहले तो M15 उसके बाद M13A और उसके बाद M7 ठीक चलो सुन सबसे पहले दिस इज वन दिस इज वन दिस इज वन अभी उसके बाद M15 पहले आएगा बेटा M15 इधर वन आ गया ये वाला मतलब ठीक है अभी उसके बाद एम फोर सॉरी उसके बाद एम थर्टीन ए तो ये वन और ये वन आ जाएगा वन और वन और उसके बाद ये आ जाएगा एम सेवन दिस इज वन एंड दिस इज वन ठीक है बस अभी आपको क्या करना है सेम ही काम करते रहो यार अभी आप लोग यहां पे पहले आप लोग रोज से स्टार्ट हो जाओ आप लोग यहां पर बाइनरी वेट दे दो अब मैं ब्लू के अंदर लिखता हूं ठीक है बाइनरी वेट दे, दे देना हर एक रो के लिए तो बाइनरी वेट कैसे देते हैं लास्ट वाले को वन फिर उसके बाद टू फोर एट एंड ठीक है अभी यहां पर आप लोग डेसिमल कंप्यूट करो हर एक कॉलम का सो डी ई जे अभी क्या करोगे इसके बाद तो आपको ये वाला चीज चाहिए बी द टोटल ऑफ दीज टू टोटल ऑफ दीज टू बोले तो सिक्सटीन एंड एट का टोटल सिक्सटीन एंड एट का टोटल तो यहां पर आ जाएगा ट्वेंटी फोर सिक्सटीन और फोर का टोटल ट्वेंटी उसके बाद थ्री उसके बाद टू उसके बाद वन इसके हिसाब से आप लोग रैंक्स दे दो इसको वन आएगा इसको टू आएगा इसको थ्री आएगा इसको फोर आएगा इसको फाइव आएगा आई गेस विद इज ऑल ओवर ओके तो सर हाउ डू यू नो एवरीथिंग इज ऑल ओवर देखो तुम्हारे जो रोज थे ना वो ऑलरेडी रैंक वन टू थ्री फोर फाइव के हिसाब से अरेंज थे अभी आप लोगों का जो ये वाला डेटा है ना कॉलम वाइज वो भी ऑर्डर के अंदर ही आ गया रैंक नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सो द मोमेंट रोज कम इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब रैंक ऑर्डर उसके बाद इवन द कॉलम्स कम इन द सेम ऑर्डर ओनली ओके एट दैट टाइम इट इज टाइम फॉर यू टू बी स्टॉपिंग दिस इज आर आंसर एज सच ठीक है सर ये क्या आंसर हुआ ये आंसर फाइनल आंसर अभी तक नहीं है तुमको कंक्लूजन के लिए बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे देखो तुम्हारा एम क्या था तुम्हारा एम क्या था कि कौन सी मशीन्स को इकट्ठा करूं और उसके ना क्या क्या पार्ट बनाऊं तो अब ध्यान से जरा देखना अगर तुम लोग ये पूरी मैट्रिक्स घूर घूर के देखोगे ना तो तुम लोग को ना अभी तुमको दो इंडिपेंडेंट क्लस्टर्स दिखाई देंगे क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ मशीन तुम लोग को दो इंडिपेंडेंट क्लस्टर्स दिखाई देंगे दो इंडिपेंडेंट क्लस्टर्स दिखाई देंगे कौन से दो देखो जरा एक तुम्हारा ये वाला ग्रुप है बेटा एक तुम्हारा ये वाला ग्रुप है इस ग्रुप के अंदर अगर वो देखोगे तो तुमको दो मशीन चाहिए तीन पार्ट्स बनाने के लिए ये तीन पार्ट्स के लिए तुमको और कोई मशीन वगैरह वो नहीं चाहिए ठीक है तो ये जो मैंने येलो के अंदर किया ना दिस इज इन दिस पर्टिकुलर केस योर वन क्लस्टर ठीक है दिस इज योर वन सेल या फिर वन क्लस्टर ठीक है और जो बाकी बच गया ना अब जरा देखो पी वन जीरो के अंदर एम थर्टीन ये वाले जो पार्ट्स हैं ये बन जाएंगे इन पार्ट्स के लिए ये वाले पार्ट्स के लिए तुमको ये वाली मशीन्स सॉरी मैं उल्ट मैं उल्टा वो बोल गया ये वाले पार्ट्स के लिए तुमको ये वाली मशीन्स की कोई जरूरत नहीं है ठीक है सिमिलरली तुमको ये वाले पार्ट के लिए ये वाली मशीन की कोई जरूरत नहीं है तो अपना जो काम है ना इससे इमीजिएटली खत्म हो जाता है सो दिस इज योर फर्स्ट क्लस्टर एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज योर क्लस्टर बस अपने को यही वाला काम आ, करना था और मैंने यहां पर तुमको सल्यूशन के अंदर भी एग्जैक्टली exactly यही वाला चीज वो दिया है क्योंकि तुम्हारा सम इससे खत्म होगा जो भी यहां पे मैट्रिक्स है आई हे प्रिंटेड दोस पर्टिकुलर थिंग एंड टूवर्ड्स द एंड देखो वट आई हैव डन ओवर है

को सिर्फ यही वाले दो पार्ट चाहिए तो आप लोग इसका एक सेपरेट सेट बना दो आप बाकियों का एक सेपरेट सेट बना दो तो एक सेट जो हो जाएगा वो येलो वाला पार्ट हो जाएगा एक जो हो जाएगा ग्रीन वाला हो जाएगा बस मैंने वही वाला चीज इधर कंक्लूजन के तौर पे दो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है क्लस्टर नंबर वन येलो कलर वाला इसके अंदर कौन सी कौन सी मशीन्स को हम लोग ग्रुप करेंगे वन एंड वन मैंने वही लिखा है uh, सॉरी कौन सी कौन सी मशीन को ग्रुप करेंगे एम थर्टीन एम टू एन एम फिफ्टीन वो मैंने इधर लिखा है और इस क्लस्टर के अंदर कौन से पार्ट बनेंगे बेटा पी वन जीरो वन पी वन जीरो सेवन मैंने वही वाला चीज इधर भी लिखा हुआ है ठीक है सेम वे क्लस्टर टू के अंदर विच टू मशीन विल बी ज्वाइंट एम थर्टीन ए एन एम सेवन ठीक है और यहां पर कौन कौन से पार्ट बनेंगे वन जीरो फोर वन जीरो फाइव एंड वन जीरो एट बस मैंने वही वाला चीज यहां पर लिखा हुआ है ठीक है मैंने एक ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन भी किया है तुमको दोनों में से जो भी अच्छा लगे सेल वन या क्लस्टर वन ठीक है वहां पे ये दोनों पार्ट्स बनेंगे ये तीन मशीन का ग्रुप बन जाएगा और क्लस्टर नंबर टू के अंदर ये वाले तीन पार्ट जो है वो बनेंगे ठीक है और उसके बाद ये दोनों मशीन को ग्रुप किया जाएगा तुमको बस यही वाला चीज वो बताने का था कि विच मशीन विल बी कंबाइंड टूगेदर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विच क्लस्टर विल बी फॉर्म ठीक है एक बार मैं करता हूं पहले आप लोग यहां पे हर एक चीज जो है किधर से भी स्टार्ट कर सकते हो लेकिन आईसीए सबसे पहले कॉलम्स को बाइनरी वेट देता है और रोज का डेसिमल इक्वालेंट निकालता है और फिर उसको रैंक दे देता है फिर हम लोग रीअरेंज करेंगे रोज को ठीक है उसके बाद फिर आप लोग यहां पर रोज को बाइनरी इक्वालेंट दो और कॉलम्स सॉरी आप लोग रोज को बाइनरी बाइ दो और आप लोग फिर कॉलम्स का जो है डेसिमल इक्वाल वो निकाल लो और फिर आप लोग रैंक दे दो एक बार ये वाला काम करते जाओगे करते ही जाना करते ही जाना टिल द टाइम रोज एंड कॉलम्स बोथ ऑफ देम आर अरेंज रो वाइज एक बार सॉरी बोथ ऑफ देम आर अरेंज रैंक वाइज वंस बोथ ऑफ देम आर अरेंज उसके बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्लस्टर्स दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लस्टर्स आर इंडिपेंडेंट थिंग्स ठीक है अगर वो सोचोगे तो पी वन जीरो वन को किधर भी एम थर्टीन ए से कुछ ताल्लुक नहीं है सेम वे पी वन जीरो सेवन को भी ना इससे ताल्लुक है ना इससे तो आप लोग को ना अलग अलग काम करने का है ओके। okay, मतलब आपको मशीन को अलग कर देना है, पार्ट्स को अलग कर देना है और आपको यह बताना है which machines will विल बी रिक्वायरिंग particular पर्टिकुलर as सच उतना काम कर लोगे द जॉब इज कंप्लीटली ओवर इसके अंदर एक दो चीजें आ सकती हैं अगर कभी सपोज यहां पर ऐसा हुआ कि लाइक यू नो यहां पर भी 24 है यहां पर भी 24 है तो कोई पूछ सकता है सर फिर रैंक किसको देने का आप लोग किसी को भी वन यहां पर वो दे देना और एक और चीज आ सकता है लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही बताऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर वो नहीं बताऊंगा ठीक है चलो ऑल योर नोट्स आर देर विद यू स्टडी योर नोट्स इन अ प्रॉपर वे वहां पे ईच एंड एवरी थिंग दट आईम सी इज एक्सप्लेन ऑल्सो आई एव एक्सप्लेन द थिंग्स फुल इन डेथ लेकिन एक बार नोट तुम्हारे पास होगा एक बार पढ़ लोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा ठीक है विद दैट क्वेश्चन नंबर टेन इज ओवर हम लोग क्वेश्चन नंबर इलेवन से स्टार्ट कर लेते हैं एग्जैक्टली सेम काम ही करने वाले यू आर न्यूली अपॉइंटेड मैनेजमेंट कंसल्टेंट विद एक्सपीरियंस इन लीन सिस्टम एक्सपीरियंस हुआ पिछला वाला क्वेश्चन किया ना यार अपन लोगों ने ड्यूरिंग डिस्कशन एट मीटिंग मैनेजिंग पार्टनर मिस्टर गुप्ता एक्सप्लेन द असेंबली लाइन वर्क फ्लो प्रोसेस एट रियो एलोंग विद मशीन पार्ट इंसिडेंट मैट्रिक्स यू

सेरी so, मूवमेंट अपने को कम करने का है ठीक है मिस्टर गुप्ता आस्क यू टू फाइंड अप्रोप्रिएट सेल्स यूजिंग सुटेबल मेथड कमेंट ऑन रिजल्ट मेथड स्टूपिडिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट उन लोगों ने लिखा हुआ है नोट यूज रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग मैथड ऑनेस्टली इन रियल लाइफ ना देर आर वेरियस मेथड एट आर देर ओके दे आर वेरियस मेथड लाइक यू नो कई मैथड्स के अंदर वॉट वी ऑल डू वी ऑल अरेज द सिमिलर मशीन्स टूगेदर फॉर गेटिंग अबाउट विच पार्ट आर टू बी मेड नेक्स्ट देर आर

तो आपको बस यही करना है फाइंड अप्रोप्रिएट सेल्स यूजिंग सूटेबल मेथड और कमेंट मतलब वो वाला कंक्लूजन दे देना जो पिछली बार दिया था ठीक तो ये वाली जो मैट्रिक्स है तुम लोग उसको कॉपी करो और उसके बाद वी ऑल सेल स्टार्ट ठीक है तो मैं भी चलो कॉपी करने को लगा ही रहा हूं तो दिस इज P1, P2, P3, P4, P5, P6। उसके बाद MB, मशीन B, मशीन C, मशीन डी मशीन ई मशीन एफ एफ तक ही है ना हाँ चलो ठीक है अभी एलोकेशन के ना गलती मत करना पी थ्री पी फाइव उसके बाद फोर फाइव सिक्स फोर फाइव सिक्स उसके बाद पी वन पी टू उसके बाद पी थ्री फाइव सिक्स पी थ्री फाइव सिक्स वन टू फोर वन टू फोर ठीक है चलो एक्जैक्टली exactly वही काम करेंगे जो पिछली बार किया था एग्जैक्टली इन द सेम पर्टिकुलर मैनर ओनली इसको एक बार ब्लैक के अंदर कर देता हूं अभी क्योंकि मैं ब्लू से लिखूंगा तो सबसे पहले तुम लोग रो वाइज भी स्टार्ट कर सकते हो कॉलम वाइज भी स्टार्ट कर सकते हो पहले आईसी हमेशा कॉलम से स्टार्ट करते हैं सुदे फोर आई डू दैट पर्टिकुलर थिंग सो बाइनरी वेट बाइनरी वेट इन दिस पर्टिकुलर केस कॉलम का तो दिस इज जे दिस इज आई ठीक है एक मिनट ये सब कुछ ब्लैक के अंदर और जो अभी लिख रहे हैं वो ब्लू के अंदर ठीक है चलो सुनो अभी बाइनरी वेट आप लोग हमेशा लास्ट से स्टार्ट हो जाते हो यहाँ पे वन आता है टू आता है फोर आता है एट आता है सिक्सटीन आता है अभी एक, एक एक्स्ट्रा भी आ जाएगा थर्टी टू ठीक है उसके बाद आप लोगों को हर एक रो का क्या निकालना है डेसिमल इक्वालेंट सो डेसिमल इक्वालेंट आए वो कैसे निकालते हैं जिधर भी एलोकेशन है उसके बाइनरी वेट का टोटल तो एलोकेशन इधर और इधर है तो एट और टू का टोटल तो ये आ जाएगा टेन फोर टू वन ये आ जाएगा सेवन ये आ जाएगा फोर्टी एट यह आ जाएगा एट प्लस टू प्लस वन इलेवन यह आ जाएगा थर्टी टू प्लस सिक्सटीन फोर्टी एट प्लस फोर फिफ्टी टू ठीक है तो यहां पे अभी हम लोग रैंक्स दे देंगे सो रैंक्स इज फर्स्ट दिस इज सेकंड दिस इज थर्ड दिस इज फोर्थ एंड इज फिफ्थ तो जो भी हाईएस्ट है उसको वन दे दो तो ये तुम्हारा मैट्रिक्स नंबर वन जो है बेटा वो कंप्लीट हो गया ठीक है दिस इज योर ओरिजिनल मैट्रिक्स ओके जहां पे हम लोगों ने ये सब कुछ जो है कंप्यूट वो कर लिया ठीक है एक सेकेंड <coughs>

एग्जाम के अंदर एक छोटा सा एडवाइस देता हूं ऐसे ना वर्टिकल लाइंस पूरे पेज के अंदर बनाई लेना ताकि थिंग्स आर वन बिलो दी अदर कॉपी करने के लिए बहुत अच्छा रहता है ठीक है कॉपी मतलब किसी और से नहीं खुद का वो ऊपर वाला मैट्रिक्स ठीक है आगे दिस इज एम डी एम डी इधर वन आ जाएगा इधर वन आ जाएगा उसके बाद एम ई इधर वन इधर वन इधर वन उसके बाद एम बी uh, यहां पर वन यहां पर वन ठीक है और उसके बाद यहां पे आ जाएगा mg, एम सॉरी उसके बाद आ जाएगा फिफ्थ रैंक कौन सा था बेटा एम सी दिस इज वन दिस इज वन दिस इज वन ठीक है चलिए तुम्हारा ये वाला जो काम है दिस इज ऑल टूगेदर डन ठीक है तुम्हारा ये वाला जो काम है सारा का सारा हो गया ठीक है अभी इसके बाद ब्लू कलर लेता हूं सुनो अभी आप लोग को क्या करना है सर अपने को बाइनरी वेट इधर असाइन करने का है सो बाइनरी वेट आए वन टू फोर एट सिक्सटीन ठीक फिर अपने को डेसिमल इक्वालेंट इधर निकालना है ठीक है और वो कैसे निकालना है ये सिक्सटीन इधर ये एट इधर तो सिक्सटीन और एट का जो टोटल है बेटा दैट विल बी ट्वेंटी फोर यहां पर भी ट्वेंटी फोर यहां पर आ जाएगा सिक्स यहां पे आ जाएगा सेवेंटीन यहां पे आ जाएगा सेवन यहां पे आ जाएगा फाइव बराबर ठीक है तो अब आप इसके हिसाब से रैंक दे दो कोई अभी दो जगह पे सेम है मैंने मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले बोला कि सेम आ सकता है आप लोग किसी को भी वन दे दो किसी को भी टू दे दो तुम्हारे आंसर जो है वो सेम ही रहेंगे सो एट रैंडम मैं पी वन को ही वन दे रहा हूं ताकि मेरे को मूव करने की ज्यादा जरूरत ना पड़े वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है मेरे को बोलो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनाने की जरूरत है कि नहीं है पहले मेरे को वो बोलो है ना क्योंकि अभी तक ये ऑर्डर के अंदर वो नहीं आया ठीक है तो अभी आप लोग यहां पर कॉलम वाइज रीअरेंजमेंट करोगे रो वाइज तो वही रहने वाला है तो MJ, उसके बाद एम डी उसके बाद एम ई उसके बाद एम बी और उसके बाद एम सी ठीक है अभी उसके बाद कुछ ऐसा पी वन फर्स्ट रैंक था बेटा तो मैं वही डाल देता हूं वन वन अभी कॉलम वाइज कॉपी करो हा प्लीज सेकेंड रैंक भी वही था थर्ड रैंक ये है बेटा पी फोर पी फोर वन इधर है और वन इधर है पी फाइव वन 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 ये फोर्थ रैंक था ना बेटा फिफ्थ रैंक जो है पी थ्री है पी थ्री एम ई e को व एम बी को वन ठीक है उसके बाद पी सिक्स दिस इज वन एंड दिस इज वन ठीक है चल तो अभी तुम लोग अपना यहां पे मैट्रिक्स नंबर थ्री बनाने जा रहे हो ठीक है ऑब्वियसली यहां पर अभी जो बाइनरी वेट्स हैं वो यहां पर आने स्टार्ट हो जाएंगे सुदे फोर बाइनरी वेट जी वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू उसके बाद यहां पर अभी क्या आएगा यहां पर डेसिमल इक्वालेंट आ जाएगा रो का अभी वो टोटल करना 32 टू प्लस सिक्सटीन फोर्टी एट यहां पर ये तीन इधर आ जाएंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 48 एट प्लस एट फिफ्टी ना 56। फिर उसके बाद 48, उसके बाद 7, उसके बाद 6। एम का एट प्लस फोर प्लस वन एट प्लस फोर प्लस वन कितना आ जाएगा बेटा थर्टीन आ जाता है ठीक है बस तुम्हारा काम हो गया अभी इसके बेसिस के ऊपर तुम लोग रैंक दे दो तो रैंक वन रैंक टू रैंक थ्री रैंक फोर रैंक फाइव ठीक है सो देखो दीज आर योर फाइव रैंक्स आर देयर ठीक है अभी इसके बाद वही वाला काम करेंगे वही वाला काम मतलब अभी तुम लोग रोज को रीअरेंज कर रहे हो तो कॉलम्स जो हैं बेटा वो तो वैसे ही रहेंगे तो यहां पर P1, P2, P4, P5 P3, P6, ठीक है लेकिन रो वाइज अभी अरेंज करेंगे एम जे वन 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 उसके बाद सेकेंड रैंक तुम्हारा सेकेंड ही है बेटा तो यहां पे वही वाला चीज कॉपी कर रहे हैं लेकिन उसके बाद थर्ड रैंक एम सी है तो पहले मेरे को एम सी लिखना पड़ेगा एम सी उसका एलोकेशन देखो वन वन और वन है ठीक है फिर उसके बाद एम ई है और एम बी है सो देयरफॉर दिस इज वन 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 दिस इज वन एंड दिस इज वन ठीक है चलो तुम्हारा ये वाला जो काम है यह हो गया ठीक है ब्लू कलर लेता हूं अभी अभी मेरे को यहां पर क्या करने का है हैव टू गिव बाइनरी वेट्स ओवर हियर तो मैं यहां पे बाइनरी वेट्स इधर दे देता हूं बाइनरी वेट्स आई वन टू फोर एट सिक्सटीन उसके बाद यहां पर डेसिमल uh, इक्वालेंट आ जाएगा ठीक है डेसिमल इक्वालेंट हर एक कॉलम का तो ई जे e अभी वो वाला चीज बराबर से कंप्यूट करना बेटा और 8, 16 और 8, 24, 24, 16 फोर सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी फोर प्लस टू प्लस वन सेवन उसके बाद प्लस 1, 3, 4 प्लस 2 प्लस वन थ्री फोर प्लस ठीक है अब यहां पर मैं रैंक्स दे रहा हूं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक ये वाला भी काम तुम्हारा वो हो गया अभी अपने को क्या करने का है मेरे को बोलो शुड भी कंटिन्यू ऑब्वियसली यस क्योंकि अभी तक ये रैंक्स के ऑर्डर के अंदर नहीं आया तो फिर स्टार्ट हो जाओ फिर से अभी कॉलम्स को रीअरेंज करना बेस्ड अपॉन दीज रैंक्स रोज के साथ तो कुछ नहीं करने का है ना एम जे एम डी एम सी एम ई एम बी ठीक है उसके बाद पी वन पी टू पी फोर पी फाइव और उसके बाद मेरे को ये लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका रैंक नंबर फाइव था ना बेटा पी सिक्स और पी थ्री ठीक है तो वन 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 उसके बाद ये भी बेटा वन 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 ही था ठीक है उसके बाद यहां पे पहले पी सिक्स लिख रहा हूं पी सिक्स एम सी के साथ था वन वन और P3 ME के साथ था दिस इज वन दिस इज वन ठीक है चलो तुम्हारा ये वाला भी जो काम है ये हो गया ठीक है अभी इसके बाद क्या करेंगे आप लोग एग्जैक्टली द सेम वर्क यहां पर सर ये कभी तक करेंगे जब तक थिंग्स डोंट कम इन द ऑर्डर ऑफ रैंक्स बाइनरी वेट जे का वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू और यहां पर तुम लोग क्या डाल दोगे डेसिमल इक्वालेंट ठीक है डेसिमल इक्वालेंट हर एक रो का तो दिस इज ये तीन इधर टोटल थर्टी टू प्लस सिक्सटीन फोर्टी एट तो ये फिफ्टी सिक्स शायद पहले भी था ये फोर्टी एट शायद पहले भी था इधर है ना तो एट प्लस फोर प्लस टू फोरटीन फोर प्लस टू प्लस वन सेवन दिस इज फाइव तो यहां पे अभी रैंक्स दे, दे देंगे हाईएस्ट वन वन टू थ्री फोर एंड फाइव मेरे ख्याल से थिंग्स हैव एग्जैक्टली कम इन द ऑर्डर दैट वी ऑल वांट एज सच अच्छा द मोमेंट दिस थिंग कम्स नो यहां पे ना आप लोग को लिख लेना चाहिए एज रोज हैव ऑल्सो कम इन द करेक्ट ऑर्डर ओनली इन द ऑर्डर ऑफ रैंक ऑप्टिमैलिटी इज रीच्ड, ठीक है लेकिन अभी इसके बाद ना क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करना इस क्वेश्चन के अंदर सुपर इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है सुपर इंपॉर्टेंट ठीक है सो क्लस्टर्स आर दोज ग्रुप ऑफ मशीन्स विच मैन्युफैक्चर सर्टेन नंबर ऑफ पार्ट्स अच्छा सुनो 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 एम जे मशीन फाइव सिक्स और थ्री को तो मैन्युफैक्चर भी नहीं करता है तो आई एल नॉट इवन टॉक ऑफ दैट ठीक है इन तीनों को तो मैन्युफैक्चर कर लेता है ठीक है अच्छा एम डी मशीन भी जो है वो भी ये दोनों को मैन्युफैक्चर तो कर ही लेता है तो मेरे ख्याल से ये तुम्हारा एक क्लस्टर तो इकट्ठा हो गया आई मार्केट अप इन येलो बिकॉज इन योर नोट्स आई हैव मार्क दैट पर्टिकुलर थिंग इन येलो ठीक है ये cluster एक तुम्हारा क्लस्टर इकट्ठा हो गया ठीक है लेकिन इस क्लस्टर के अंदर एक पंगा है मेरे को बोलो फोर मशीन पी फोर मशीन सॉरी पी फोर पार्ट सॉरी नॉट मशीन ये ये जो है पी फोर वाला जो पार्ट है उसको और कौन सी मशीन की जरूरत है सर एम सी की जरूरत है तो सर फिर आप इसको भी लो तो एक मिनट अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा MC ये वाला जो मशीन है विल कम इन द फर्स्ट क्लस्टर अगर ऐसा हो जाएगा तो, तो जरा सोचो फिर फिर तो बेटा फाइव और सिक्स वाला पार्ट भी इधर ही बन जाएगा क्योंकि अगर एम सी मशीन यहां पर है तो फिर फाइव और सिक्स वाला भी जो पार्ट है वो इधर ही बन जाएगा और अगर फाइव और सिक्स वाला पार्ट तुम लोग फर्स्ट क्लस्टर के अंदर बनाओगे तो तुमको फर्स्ट क्लस्टर के अंदर फिर ये लास्ट दो मशीन भी तो घुसाना पड़ेगा क्योंकि पी बनाने के लिए ये दोनों भी चाहिए तो एक काम जरा मैं करता हूं सुनो सुनो मैं अभी के लिए इतना ही बोलता हूं बाद में एक और चीज बोलूंगा ठीक है तो अभी तक उनको एक चीज तो पक्का मैं बोल सकता हूं पी वन एंड पी टू जो है ना ठीक है ये दोनों पार्ट फर्स्ट क्लस्टर के अंदर वो बनेंगे हेल्प ऑफ एम जे एंड एम डी और अभी एक चीज ऑब्वियस है अगर एम जे वाला मशीन क्लस्टर नंबर वन के अंदर है ना तो पी फोर वाला पार्ट भी बना लेगा लेकिन एक पंगा क्या है कि ना P4 वाला पार्ट बनाने के लिए अपने को एक और मशीन की जरूरत है MC अगर हम लोगों ने वो क्लस्टर नंबर वन के अंदर डाली फिर तो सभी कुछ क्लस्टर नंबर वन के अंदर आई जाएगा मैं वो रिपीट करता हूं कैसे क्योंकि फिर क्या हो जाएगा कि ना अगर ये चीज मैंने क्लस्टर नंबर वन के अंदर डाला मतलब MC क्लस्टर नंबर वन के अंदर है फिर P5 और P6 ये दोनों पार्ट भी इधर वो बनी जाएंगे ये दोनों पार्ट्स अगर इधर बन जाएंगे तो फिर क्या हो, हो जाएगा पी जो है बेटा पी वाला जो है उसको बनाने के लिए एम सी तो चाहिए था लेकिन एम ई भी चाहिए एम बी भी चाहिए तो फिर आपको ये भी सेम तो अपना जो क्लस्टर है ना एक्सटेंड होता जाएगा तो अगर तुम लोग ऐसा वो करोगे ना तो अल्टीमेटली दिस एंटायर थिंग विल बिकम वन क्लस्टर बेटा तो दैट दैट टाइम इट विल बिकम पर्टिकुलर प्रॉब्लम होनी ओके वही दिक्कत हो जाएगी यहां पर क्लस्टर्स नहीं बन पा रहे यहां पर क्लस्टर्स नहीं बन पा रहे आप लोग को ना वो वाले पार्ट और वो वाले मशीन अलग कर देने हैं विच एज सच हैव गॉट नो रेलिवेंट ठीक है no मतलब विच आर नॉट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर तो फिर मैं क्या करूं तो फिर मैं तुमको एक आइडिया देता है तुम लोग क्या कर सकते हो ध्यान से जरा सुनना देखो ये तो हो गया एक चीज दूसरा ये सब का मैं एक यहां पर इंडिपेंडेंट काम कर सकता हूं ठीक है मतलब P5, P6 और P3 थ्री विल बी मेड यूजिंग एमसी एम ई और एम बी अगर मैंने ऐसे किया तो अब इतना जरा वो देख लो कि ये तीनों पार्ट ये तीन मशीन से पूरे के पूरे वो बन जाएंगे ठीक है लेकिन प्रॉब्लम अभी भी एक ही रहा कि मैं इसका क्या करूं बेटा इसका ना अभी एक पंगा है ओके और वो पंगा यही है कि ना एम सी मशीन एम सी मशीन अगर आप उसको ग्रीन वाले क्लस्टर के अंदर डालोगे ठीक है अगर आप उसको ग्रीन वाले क्लस्टर के अंदर वो डाल दोगे तो फिर जरा सोचो एम सी मशीन अगर आप लोगों ने उसको ग्रीन क्लस्टर के अंदर डाला जो मेरे ख्याल से मैंने ऑलरेडी वो डाला हुआ है एमसी वाला जो पार्ट है इधर और इधर है तो जरा सोचो फिर पी वाला भी जो पार्ट है सेकेंड क्लस्टर के अंदर बन जाएगा लेकिन अगर पी वाला सिर्फ सेकेंड क्लस्टर के अंदर बना तो ना एमजे वाला भी जो है ना एमजे वाला क्योंकि क्या है देखो अगर पी जो है सेकेंड क्लस्टर के अंदर बन रहा है क्योंकि एमसी इज देर इन द सेकेंड क्लस्टर ठीक है एमसी वाला मशीन अगर सेकेंड क्लस्टर के अंदर है जो है ठीक है तो P4 वाला पार्ट सेकंड क्लस्टर के अंदर बनेगा लेकिन P4 को बनाने के लिए MJ भी तो चाहिए और अगर तूने MJ ग्रीन के अंदर डाल दिया तो फिर P1 और P2 भी जो है वो उधर ही बन जाएंगे और P1 और P2 को बनाने के लिए बेटा MD भी चाहिए तो फिर सारा का सारा ग्रीन जो है वही एक क्लस्टर बन जाएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर एवरीथिंग नो विल बी कमिंग ओवर हियर ओनी तो दैट टाइम विल बिकम वन सिंगल क्लस्टर होनी तो जस्ट नाउ नो देर इज नो सोल्यूशन टू इट एक्सेप्ट आप लोग क्या कर सकते हो आप इस सेल को इंडिपेंडेंट रखो इस सेल को इंडिपेंडेंट रखो बीच में बच गया ये बेकार आदमी ठीक है ये जो एक चीज है ना आप लोग क्या करो P4 वाला जो कंपोनेंट है ध्यान से सुनना पहले आप उसको सेल वन के अंदर लेके जाओ सेल वन बोले तो येलो वाला सेल ठीक है येलो वाला पार्ट इज क्लस्टर नंबर वन ग्रीन वाला पार्ट इज क्लस्टर नंबर टू पहले आप उसको क्लस्टर नंबर वन के अंदर लेके जाओ और एमजे मशीन से प्रोसेस करो और उसके बाद आप लोग उसको क्लस्टर नंबर टू में लेकर आओ जहां पर एमसी मशीन होगी वहां पर प्रोसेस करो मतलब देर विल बी सम काइंड ऑफ अ इंटर डिपेंडेंस बिटवीन द टू सेल्स वेयर बाय पार्ट पी फोर विल बी मूविंग फ्रॉम दिस सेल टू दिस सेल इज दिस अंडरस्टूड इज दिस अंडरस्टूड ठीक कोई बोलते सर लेकिन फिर तो अपना पर्पस ही खत्म हो गया अपने को इंडिपेंडेंट सेल्स वो चाहिए थे ताकि दो सेल्स के बीच में कोई मूवमेंट वगैरह ना हो परफेक्ट ओके okay? लेकिन कभी कभी रियल लाइफ के अंदर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको ऐसा काम करना ही पड़ेगा बोलते तो सर ऐसा नहीं चाहिए तो ऐसा नहीं चाहिए तो, नहीं चाहिए तो दो ऑप्शन दे दे सकता हूं चलो तीन देता हूं फर्स्ट पार्ट ये वाला जो पार्ट है ना पी फोर आप लोग बनाना ही बंद कर दो आप लोग मार्केट से खरीद लो तो फिर तो ये चक्कर ही निकल गया सारा का सारा फर्स्ट ऑप्शन सेकंड आप लोग ना क्लस्टर नंबर वन के अंदर एक और एमसी मशीन खरीद लो तुमको समझ में आ जाएगा उससे अपना दिक्कत दूर जो है पूरा का पूरा वो हो ही जाएगा क्योंकि देन देर विल बी एन अदर मशीन जो जो क्लस्टर नंबर के अंदर जो वो पड़ा रहेगा आप उसके अंदर पी फोर जो है वो बना लेना कोई सर इसके अंदर अपने को एक और मशीन खरीदना पड़ेगा तो खर्चा होगा खर्चा तो बेटा होगा ही होगा जब आप बाहर से भी खरीदने वाले हो शायद आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा लगे सर कोई और ऑप्शन कोई और ऑप्शन अपनी मैन्युफैक्चरिंग को रीडिजाइन करो ताकि P4 वाला जो पार्ट है ना उसको MC की जरूरत ही ना पड़े ठीक है अगर कुछ ऐसा कर सकते हो तो ये वाला एलोकेशन इधर से फिर निकल ही जाएगा ना ओके okay. तो अगर ऐसा कर सकते हो फिर आप ऐसे कर सकते दीज आर द थिंग्स यू गॉट टू बी राइटिंग इन कमेंट्स हियर जो मैंने यहां पर नीचे कमेंट के तौर पे तो वो लिखा होगा इधर इट इज एसेंशियल दैट understand that cells are not totally independent common cell since p4 which is member of cell 1 needs processing it's in mc but mc belongs to cell 2 therefore some amount of intercell movement change will take place in this situation in general these moves become unavoidable in real life circumstances there are various alternate ways of eliminating intercell moves in cellular manufacturing like redesigning the part so that machine बिलोंग्स टू द अदर सेल इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग मतलब कुछ आप लोग रीडिजाइन करो कि इस पार्ट को इस मशीन के अंदर जाने की जरूरत ही ना पड़े सब कॉन्ट्रैक्टिंग द पार्ट बाहर से खरीद दो एडिंग द नेसेसरी मशीन इन द सेल इस सेल के अंदर एक और मशीन डाल दो ठीक है द सेल डिजाइनर शुड इवेल्यूएट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच ऑफ दीज वे इज एंड मेक अटेबल मेजर टू मिनिमाइज दीज मेज ठीक है चलिए I have done this entire thing. These notes will be available on a telegram channel. You all can join that particular thing for all future updates. Do remember all regular students, all regular students, there is everything, every little thing that comes in. ऑन आई सी इज वेबसाइट और एनी वेयर ओके इट इज ऑल गिवेन टू यू इन लाइफ टाइम अपडेट किधर इधर उधर नहीं देखने का ओके आई डोंट वॉन्ट यू वाल टू बी वेस्टिंग योर टाइम लुकिंग फॉर वीडियोज हेयर एंड देयर अप इन सोन वट एवर इज देर एवरीथिंग कम्स डायरेक्टली इन यूर ऐप इट सेल्फ ओके सो इफ यूर अ रेगुलर स्टूडेंट यू गेट ऑल दीज पर्टिकुलर अपडेट द मोमेंट वी वॉल डू यू गेट अ नोटिफिकेशन ऐप का नोटिफिकेशन ऑन रखना चाहे वो एंड्रॉयड ऐप हो हमारा या फिर वो आपका आई ओ एस ऐप हो ओके okay? दिस क्वेश्चन इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबी ऑल दो पीपल आर वॉचिंग दिस पर्टिक्युलर वीडियो प्लीज ये वाला जो क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चन जो है स्पेशली ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है दो तीन बार सॉल्व करके जाना कंक्लूजन के साथ आज कर रहे हो शायद समझ में आ जाता है दस दिन के बाद भूल जाओगे तो प्लीज एक बार दस दिन के बाद यू कैन अगेन डू अ रिकेप और एक मेरा सजेशन है ये वाला वीडियो एक ही बार देखने का ओके बार बार वीडियो मत देखो टेक अ पेन एंड पेंसिल एंड प्लीज स्टार्ट टू बी ड्रॉइंग और राइटिंग दीज मैट्रेस दैट इज ओनली वे टू बी गेटिंग दम करेक्ट इन एग्जाम्स ठीक है देखने से कुछ समझ में नहीं आता यू स्टार्ट टू बी डूइंग द थिंग्स बाय योरसेल्फ ओके बिकॉज दिस डेज इट हैज ऑल बिकम सर ये वीडियो करो ये वीडियो करो अप इन सोन यू विल वेस्ट योर टाइम इन सींग द वीडियो स्टडी योर सेल्फ थिंग्स विल ऑलवेज बी बेटर दिस वॉज अ न्यू कंसेप्ट ओके सो दे फोर आई हैड टू बी डूइंग दैट पर्टिक्युलर थिंग बट प्लीज रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू एवरी मटीरियल दैट यूल हैव गि कोई भी एग्जाम्स उठा के वो देख लेना वॉट एवर वी ऑल डू ओके दैट इज हेड एंड टेल ऑफ एवरीथिंग दट कम्स इन एग्जाम्स ऑलवेज नॉट ओनली नाउ बट ऑलवेज ओके टेक केयर बाय